जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत धार्मिक उत्सव की, धार्मिक परंपरा की, महोत्सव की, जो कटक में आयोजन होने जा रहा है। वो धार्मिक उत्सव का नाम है 30वां श्री नारायणी नमो भजनोत्सव एवं 13वां उत्कल प्रांतीय बसंत महोत्सव, जो कटक के विंडसोर पैलेस में आयोजन होने जा रहा है आगामी 6 और 7 जनवरी दो दिन। और इसका आयोजक है कटक में रानी सती मंदिर समिति। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत धार्मिक कार्यक्रम है। और इस जनवरी में तो हमारे देश में दो बड़े बड़े इवेंट्स भी, धार्मिक बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं इसी जनवरी में। सभी को जानते हैं कि 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान होंगे अयोध्या नगरी में, उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है भगवान राम का मंदिर में, और हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं उसमें मुख्य अतिथि होके, और उन्हीं के कर कमलों से ही भगवान राम वहां विराजमान भी होंगे। और उसके भी पहले, ये तो 22 जनवरी की मैंने कहा, उसके भी 5 दिन पहले 17 जनवरी को हमारे धर्म क्षेत्र पूरी क्षेत्र में, जो चार धाम में एक धाम है, वहां एक परिक्रमा प्रकल्प आयोजन हो रहा है। उड़ीसा सरकार उसमें करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, और कम से कम भी 2-3 साल से वो प्रयास चल रहा है कि भक्तों को कैसे सहूलियत की दृष्टि से वहां पर परिक्रमा भक्त कर सकते हैं एवं सारे सुख सुविधा जैसे उनको मिले, और कोई दर्शन में कोई बाधा विघ्न ना हो, कहीं कोई समस्या में भक्त ना पड़े एवं आराम से खुश होके वो जगन्नाथ जी का दर्शन करें, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पाए, भगवान की परिक्रमा करें। इसके लिए उड़ीसा सरकार भी जोर शोर से तैयारियां कर रही है पिछले 2 साल से, और उसका परिक्रमा प्रकल्प का उद्घाटन होगा इसी 17 जनवरी को। और देखिए उसी कड़ी में मैं बोलूंगा कि रानी सती दादी का जो 2 दिन का व्यापी कटक में महोत्सव है उसमें, वो भी मैं इसी जनवरी महीने में ही बोलूंगा, क्योंकि एक साथ में यहाँ कटक में रानी सती दादी का बड़ा महोत्सव आयोजन होने जा रहा है, पूरी में जगन्नाथ जी मंदिर का परिक्रमा प्रकल्प 17 जनवरी को आयोजन होने जा रहा है, और भगवान श्री राम का जन्मस्थली में अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान होंगे 22 जनवरी को। तीनों को एक, तीनों के मतलब पूरा पूरी धार्मिक परंपरा रीति रिवाज से सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज मैं अब रानी सती दादी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूं। सभी दर्शकों से सब सर्वप्रथम श्री रानी सती दादी की जय का नारा मैं दे रहा हूं। अब मैं श्री रानी सती दादी के बारे में संक्षिप्त परिचय या उनका इतिहास बताने जा रहा हूं। कली काल में अवतरित भक्तमय हारिणी, संकट विमोचनी, भक्त वत्सला, दुर्गा वत्सल मतलब दुर्गा स्वरूप श्री रानी सती जी की पूजा आराधना आज भारतवर्ष के अधिकांश हिंदू नरनारी के द्वारा की जाती है। विदेशों में भी रानी सती दादी के भक्त हैं। उनकी अपार महिमा का वर्णन साधारण मानव के बस की बात नहीं है। मां श्री रानी सती जी देवसर गांव के निकट 1352 ईस्वी में सती हुई थी। उनकी गाथा इस प्रकार है। मां श्री रानी सती जी का आदि नाम, मतलब सबसे प्राचीन नाम जो है रानी सती दादी का, वो है नारायणी देवी। वे डोकवा निवासी श्री गुरसामल जी की सुपुत्री थी। उनका विवाह हिसार निवासी, हिसार जो हरियाणा में है, उनका विवाह हिसार निवासी बांसल गोत्री सेठ श्री जाजीराम जी के सुपुत्र तनघन दास जी के साथ हुआ था। श्री तनघन दास जी के पास एक घोड़ी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी घोड़ी थी। उस राज्य के नवाब झड़चंद शहजादे का
मन उस घोड़ी को प्राप्त करने को लालायित हो उठा। उसने चोरी करने की ठानी। अब ये बात मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि उस जमाने में 1352 का जो घटना है, उस जमाने में मतलब आज से 700-800 साल पहले की बात है ये। उस जमाने में आज के जैसे सुख सुविधा साधन है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था है, जान वाहन है और सभी तरह के फोर व्हीलर व्हीकल्स है, ट्रेन है, एयर कम्युनिकेशन है, प्लेन है, फ्लाइट है, सब आज के जैसे कोई भी साधन उस समय आज से 800 साल पहले बिल्कुल नहीं था। तो उस समय लोग जानाना के उस विशेषकर राजस्थान हरियाणा में लोग जानाना सब के लिए क्या तो घोड़ी का इस्तेमाल करते थे या नहीं तो ऊंट का इस्तेमाल करते थे। ये दो मेन साधन थे जाने आने के लिए, आवागमन के लिए। उसी घोड़ी के बारे में मैं बोल रहा हूं कि उस अच्छी घोड़ी जो तनगन दास जी के पास थी उसको लेने के लिए शहजादे जड़चंद का मन हो उठा और उन्होंने उसको घोड़ी को चुराने के लिए प्लानिंग की। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस दौरान तनगन दास जी वीरगति को प्राप्त हुए। नारायणी देवी ने रणचंडी का रूप प्रचंड रूप धारण किया और दुश्मनों का संहार करना शुरू किया। नारायणी देवी ने इसके बाद पति सव के साथ सती होने का निश्चय किया तथा इस कार्य में उनकी मदद राणा जाति के एक सेवक ने की। स्वयं माता ने अपनी चिता तैयार करके पति के शरीर को गोद में ले आरूढ़ हो गई चिता पर। और ये जो युद्ध हुआ दोनों के बीच, दोनों आपस में कुछ कुछ उनकी सैनिक टुकड़ी भी थी दोनों के बीच में ये जो युद्ध हुआ और रानी सती दादी के जो पति का वहां युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हुई, तत्पश्चात रानी सती दादी ने निश्चय किया कि वो भी स्वयं सती होंगी। अपने पति के शरीर के को गोद में रख वो आरूढ़ हो गई चिता पर। और रानी सती दादी के बारे में एक और खास बात यह है, उनको पूरी गीता पारायण वो करती थी और उनको कंठस्थ थी। पूरा गीता का 18 अध्याय जो है उनको वो नियमित पाठ करती थी और गीता की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित हुई। कृष्ण भगवान को रानी सती दादी गुरु मानती थी, इसलिए ही अग्नि जो है स्वतः प्रज्वलित हुई कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से। सती के तेज से अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और आग ठंडी भी नहीं हुई कि सती ने त्रिशूलधारी शक्ति के रूप में प्रकट होकर राणा को आशीर्वाद दिया तथा चिता की भस्मी झुंझुनू जो राजस्थान में है झुंझुनू ले जाने का आदेश दिया। राणा की सेवा से प्रसन्न होकर सती ने कहा, आज से मेरा नाम रानी सती ही प्रसिद्ध होगा। झुंझुनू में विशाल मंदिर बनाने की आज्ञा हुई। घोड़ी जहां रुकी वहीं मंदिर बना, विशाल मंदिर। मैं भी गया हूं आज से करीब 40 साल पहले रानी सती दादी मंदिर झुंझुनू में मैं गया हूं, वहां मत्था भी टेका हूं श्रद्धा के साथ और बहुत विशाल मंदिर है। मेरे यहां पर ये जो क्रांति उड़ीसा मीडिया का जो दफ्तर है, कार्यालय है, मेरा घर भी वहीं है और दफ्तर भी वहीं है, एक ही कैंपस में है। और मेरे घर के 3-4 मकान छोड़ के ही माणिक गोसुरियार में रानी सती मंदिर भी है। दादी का बहुत भव्य मंदिर है और 25 साल पहले दादी का वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, सब मेरे आंखों के सामने ही हुआ है और बहुत ही शानदार मंदिर है, देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। श्री रानी सती दादी जी संपत 1352 में मंगसीर पदी 9वीं मंगलवार को सती हुई थी। श्री रानी सती का पूजन अर्चन न केवल बांसल गोती वाले करते हैं बल्कि भारत का हर जात के बृहद हिंदू सनातनी लोग बिना भेदभाव के दादी माँ को पूजा करते हैं। इनके बाद रानी सती दादी की जो सती हुई, इनके बाद भी और 12 सतियां हुई है, प्रसिद्ध सतियां हुई है राजस्थान में। राणा की सेवा से खुश होकर वरदान दिया कि आज से मेरा नाम रानी सती होगा। जैसे कि जैसे राजस्थान में खाटू श्याम बाबा हैं, जैसे श्याम बाबा कृष्ण के नाम से पूजे जाते हैं, उसी तरह से राणा को सेवा से खुश होकर वरदान दिया
रानी सती दादी ने कि आज से मेरा नाम रानी सती होगा, और ये जो रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से शानदार बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना के दिए हैं रानी सती दादी के दो भक्त, बड़ी भक्त, उनका नाम है किरण मोदी एवं मधु भराजेवाला, और उनको SSSS धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के मुझे दी है, और वो बड़ी रानी सती दादी की भक्त भी है, रानी सती दादी के कार्यक्रम में मंदिर के अंदर में वो बराबर जुटी रहती है, बराबर सेवा करती रहती है दादी मंदिर में, वो मुझे भी मालूम है, और मैं तो मंगल कामना शुभ कामना करता हूँ इस आयोजन की, बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजित होना है 2 दिन का, सुबह से ही रानी सती जो 6 तारीख को सुबह से कलश यात्रा निकलेगी, तत्पश्चात सारे दिन भर का कार्यक्रम है वहाँ विंडसर पैलेस में, 7 तारीख को भी सुबह से कार्यक्रम है, और बहुत ही भव्य बनारस से भी पंडित लोग आ रखे हैं, भव्य गंगा आरती भी यहाँ पर आयोजित होगी, केरल के डांसर ग्रुप भी आ रखे हैं, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि बच्चे लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देंगे, जो कि समाज के जो बच्चे हैं, और वो बंगाल के जो प्रसिद्ध दुर्गा पूजा दशहरा में वो हम लोग देखते हैं, बंगाल के जो प्रसिद्ध धूप झूणा डांस जो होता है, समाज के बच्चे लोग ही उसको पेश करेंगे, वो मतलब रोज रिहर्सल उनके बच्चों की चल रही है, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि 2 दिन जो 6 और 7 अर्थात शनिवार और रविवार इसी जनवरी में जो 2 दिन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है कटक के विंडसर प्रदेश में, कृपया दोनों ही दिन वहां जाइए और रानी सती दादी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, रानी सती दादी की करुणा भी प्राप्त कीजिए, और आपको वहां उनके आशीर्वाद से आपके घर परिवार समाज में सब में काफी खुशहाली अवश्य ही होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।